हेलो बच्चों, हमारी आज की वीडियो है सूक्तियाँ भाग 7। ये संस्कृत में है और मैंने इसके हिंदी में सरल अर्थ भी बताए हैं। उम्मीद है आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सूक्तियाँ भाग 7। गर्वाय पर पीड़ाए दुर्जस्य धनम बलम, सजनस्य दानाय रक्षणाय च ते सदा। अर्थात दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति का धन और बल गर्व करना और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना होता है, और दान देना तथा निर्बलों की रक्षा करना सज्जन व्यक्ति का धन होता है। दूसरा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अर्थात आहार निद्रा भय और मैथुन ये मनुष्य और पशु दोनों ही की सामान्य आवश्यकताएं हैं। अर्थात इन चारों आवश्यकताओं के अनुसार मनुष्य और पशु समान हैं। केवल धर्म ही मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है, अतः धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान ही होता है। अगली सूक्ति है, अहो दुर्जन संसर्गात मान हानि पदे पदे पावको लोह संगेन मुद्गरैर भीतायते। अर्थात दुष्ट अर्थात बुरे लोगों के साथ रहने से कदम कदम पर अपमान होता है। जिस प्रकार अग्नि जब लोहे के साथ होती है तो उसे घन से पीटा जाता है। आगे है, चिता चिंता सम युक्ता बिंदु मात्र विशेषतः, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। अर्थात चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है, किंतु दोनों ही एक समान हैं। चिंता मनुष्य को जीते जी जलाती है और चिता मरने के बाद जलाती है। हमारी पांचवी सूक्ति है, महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्नति कारकः पद्म पत्र स्थितम तोये धत्ते मुक्ता फलम श्रियम। अर्थात महान व्यक्तियों की संगति किसे उन्नति प्रदान नहीं करती, अर्थात महान व्यक्तियों का संग करने से निश्चय ही उन्नति होती है। कमल के फूल पर पानी की बूंद मोती के समान दिखने लगती है, अर्थात कमल की संगत से पानी मोती बन जाता है। अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णाम न एव परित्यजेत, शनै शनै भोक्तव्यम स्वयं वित्तम उपार्जितम। अर्थात बहुत अधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए और इच्छाओं का त्याग कर देना भी ठीक नहीं है। अपने द्वारा कमाए गए धन के अनुरूप ही इच्छा करनी चाहिए, वह भी एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे। उम्मीद है ये सरलार्थ और ये श्लोक आपको पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में पैराग्राफ्स स्टोरीज पोएम्स चाहते हैं तो उसके लिए मेरे दूसरे चैनल पर जाएं, जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश एंड पैराग्राफ्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।